नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हयान है और जो मैं आज आपके सामने लाया हूँ वो है स्टफकूल का ऑडियो अडेप्टर। हाँ दोस्तों, ये यूएसबी टाइप सी टू 3.5 mm का अडेप्टर है। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में बताऊँ, मैं आपको बताना चाहूँगा इसका इस्तेमाल हम कब कर सकते हैं। दोस्तों, अब जो नए फ़ोन आ रहे हैं, जो प्रीमियम स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, जो लैपटॉप्स हैं, मैकबुक है, विंडोज़ के टैबलेट्स हैं, उनमें क्या हो रहा है, उनमें जो 3.5 mm का जो जैक था हमारा पहले, ये कुछ ऐसा दिखता है जो कुछ ऐसा दिखता है, ये अब आजकल जो नए फोन्स हैं उनमें ये जैक जो है वो नहीं आ रहा है। इसको यूज करने को जैक नहीं आ रहा है और इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोगों को बहुत दिक्कत आती है। जो जिन लोगों के पास पुराने प्रीमियम वायर हेडफोन्स जिनके पास पड़े हुए हैं और उनको वो यूज करना है अपने नए फोन्स के साथ, प्रीमियम फोन्स के साथ, तो वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें खाली यूएसबी टाइप सी पोर्ट आता है। सो इस स्थिति में आप बाजार से कोई सस्ता चीप यूएसबी कन्वर्टर या अडेप्टर, ऑडियो अडेप्टर ले सकते हैं, पर उसमें आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी और क्या पता वो आपके फ़ोन से काम करे ना करे, और साथ में उसमें आपकी जो वॉइस क्वालिटी है, जो कॉल की क्वालिटी है, और जो साथ में आपकी जो वायर होती है इसकी हेडफोन्स की, उनमें एक रिमोट कंट्रोल होता है इनलाइन, वो भी इसमें चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, ये स्टफकूल का ऑडियो अडेप्टर एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अमेजोन पे अवेलेबल है। इसका जो प्राइस है वो है तकरीबन 2499 रुपये का। हाँ दोस्तों, थोड़ा महंगा है ये, पर इसकी क्वालिटी अच्छी है इसलिए महंगा भी है। तो पर ये अमेजोन पे जो है वो 2000 के आसपास आपको मिल जाएगा, 1999 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसके पैकेजिंग में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, आप दिखता है ये आपको 6 मंथ की वारंटी दी गई है इसमें, और साथ में जिसके फीचर्स है वो ये है कि 3.5 हेडफोन जैक इसमें लग सकता है, और यूएसबी टाइप सी का कनेक्टर है इसके पास, और एल्यूमिनियम और टीपी यानी एक तरह के प्लास्टिक में जो मटेरियल है वो यूज़ किया गया है इसमें। और जो इसमें सूटेबल मॉडल दिए हैं वो है गूगल पिक्सल 3XL, 2XL और HTC मोटो, और इसी तरह के कई और जो मैकबुक प्रो जिसमें 3.5 mm का जैक नहीं है उनमें ही ये काम करेगा। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, जिन स्मार्टफोन्स में या जिन चीज़ों में 3.5 mm का जैक नहीं होता और यूएसबी टाइप सी को ही मतलब कि इम्प्लीमेंट किया जाता है दोनों काम के लिए, यानी कि आवाज़ के लिए भी और चार्जिंग के लिए भी और डेटा केबल के लिए, मतलब डेटा ट्रांसफ़र के लिए भी, खाली उन स्मार्टफोन्स या उन टैबलेट्स या उन डिवाइसेस में ही ये काम करता है, उन स्थिति में ही ये जो आपका अडेप्टर है या कन्वर्टर है वो काम करेगा। सो दूसरी बात यह है, जैसे मैंने कहा, इसमें आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, कॉलिंग कंट्रोल कर सकते हो, म्यूजिक भी सुन सकते हो, क्योंकि इसके अंदर एक डैक चिप दी है यानी कि डिजिटल टू ऑडियो कन्वर्टर, उसकी जो नॉर्मल जो आवाज़ है उसको, म्यूजिक की जो आवाज़ है आपकी उसको और एनहेंस कर देता है। ये है, मैं इसको पहले से यूज़ कर रहा हूँ, कुछ हफ्ते हो गए मेरे को यूज़ करते हुए, तो ये रहा कन्वर्टर। तो दोस्तों ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे आपको हेडफोन का जैक लगाना होता है और ये आपके स्मार्टफोन के जहाँ पे यूएसबी टाइप सी दिया है चार्जिंग पोर्ट वहाँ लगता है, और आपको आप इसमें से आवाज़, मतलब कि जैसे कि आईफोन हो गया या कि जो आने वाले आईफोन्स में ये टाइप सी पोर्ट है, और जैसे हमारा गूगल पिक्सल हो गया, मैंने इसको 1+3 और 1+5 में यूज़ करने की कोशिश की, उसमें ये नहीं चला क्योंकि उनमें ऑलरेडी 3.5 mm का जैक दिया हुआ है। तो उसके बाद मैंने इसको गूगल पिक्सल में यूज़ किया, और साथ साथ जो और डिवाइसेज जहाँ पर यूएसबी टाइप सी दिया हुआ है खाली, मैंने वहाँ पे यूज़ किया, और वहाँ पे इसने बहुत बेहतरीन काम किया है बिना किसी दिक्कत के। जो आवाज़ थी वो बिल्कुल परफेक्ट थी, और साथ ही साथ जो वॉइस कॉल थी और जो रिमोट था उसका, जो इनलाइन कंट्रोलर होता है तार पे इसकी एयरफोन की, वो भी बढ़िया काम कर रहा था। दोस्तों आजकल जो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वायरलेस हेडफोन्स ले लेते हैं यूज़ करने के लिए, पर अगर आपके पास ऑलरेडी एक हेडफोन पड़ा हुआ है अच्छा, जिसे आप यूज़ करना चाहते हैं अपने फ़ोन के साथ और अपने और पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते किसी वायरलेस ब्लूटूथ लेने के लिए, वायरलेस ब्लूटूथ हेडफोन्स के को खरीदने के लिए, तब आप ऐसी चीज़ों में यानी कि ऐसे अडेप्टर्स को खरीद सकते हैं जो आपके पैसे को भी बचाएगा और साथ साथ आपके ना ही आपके हेडफोन्स को कोई आपको मदद करेगा इस्तेमाल करने के लिए, बाकी डिवाइस जैसे आपके घर में कोई म्यूजिक सिस्टम है जो अभी भी सपोर्ट करता है 3.5 mm का जैक, या कोई पुराने सिस्टम्स है जो खाली 3.5 mm के जैक सपोर्ट करते हैं, उनमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको। सो दोस्तों ये रहा हमारा छोटा सा स्टफकूल का अडेप्टर। सो अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं इसका फुल रिव्यू पढ़ना तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है, आप वहाँ जाके इसकी फ़ोटोज़ और इसके रिव्यू को पढ़ सकते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार।